आज मनाया जा रहा संविधान दिवस 2015 से संविधान दिवस मनाना हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी संविधान दिवस की बधाई, अंबेडकर का भाषण किया ट्वीट। मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी, आज गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीद लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 26/11 की बरसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, लिखा कभी नहीं भूलेंगे। सीएम योगी का बलरामपुर और अयोध्या दौरा, आज सामूहिक विवाह समारोह में होंगे शामिल, तुलसीपुर के देवीपाटन मंदिर भी जाएंगे योगी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देश में आज के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सन 1949 को यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान ने हमारे संविधान को विधिवत तरीके से अपनाया था, हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को ही कर दिया गया था। बता दें कि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी देखा जाता है। भारतीय संविधान की खासियत यह है कि ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यहां आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही विज्ञान भवन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। संविधान दिवस को मनाना 2015 से शुरू हुआ था, जो इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को उचित मान्यता देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव जुड़े हैं। गौरव, जिस तरह से आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और 2015 से इसे मनाना शुरू किया गया, तो क्या इसके पीछे सोच रही थी कि संविधान दिवस को मनाया जाए? शिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से भारत है वो देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने के साथ साथ जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है, और भारत के लोगों को भारत की संविधान की जो सम्मान है, गरिमा है, उसके बारे में जानकारी है, उसकी जानकारी जो एक उनके प्रति प्रतिष्ठा है उसको जताने हेतु, उसको बताने हेतु, और संविधान के प्रति जो सम्मान लोगों में पैदा करने हेतु, जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे 2014 में, तो उन्होंने उस समय ही घोषणा की थी कि हम संविधान को हमेशा ऊंचा रखेंगे और संविधान के मुताबिक ही काम करेंगे, और संविधान के प्रति लोगों में जो आज सम्मान के अगर भावना कम हो रही है, इसको पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत 2015 से संविधान दिवस मनाने की जो प्रथा है वो शुरू की गई थी, वो जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके अब तक लगातार चल रहा है, जिसके तहत आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकभवन में लगभग 10:30 बजे सम्मान जो संविधान दिवस के मौके पर संविधान दिग्दर्शिका होती है उसका पाठन करेंगे, साथ में उनके साथ उनके कई मंत्री भी रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। इस हमले को भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला कहा जाना गलत नहीं होगा। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे, साथ ही कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। बता देखिए, आज इस हमले की 13वीं बरसी के मौके पर मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बने शहीद स्मारक में शहीद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही सुबह 10:45 पर गेटवे ऑफ इंडिया पर आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल समेत अन्य लोग भी शामिल होंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और बलरामपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम अयोध्या में सबसे बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3,500 से अधिक जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। समारोह में करीब 3,500 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। इनमें 3,418 हिंदू और 126 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं। वहीं बलरामपुर में तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर में भी सीएम योगी जाएंगे। देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानून को वापस लिए जा चुका है, जिसके बावजूद अभी भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान पहले से ही कर दिया था, जिसको देखते हुए अब हरियाणा पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय कैबिनेट ने 3 कृषि कानूनों को वापसी पर सहमति दे दी है। साथ ही किसान संगठनों द्वारा 1 साल पूरा होने के मौके पर एकजुट होने के ऐलान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। तो 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की बात तो कह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन अभी भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर, जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर भी अभी भी डटे हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर को एक बार फिर बैरिकेड करना शुरू कर दिया है और वहां पे अभी भी किसानों का जुटना जारी है। आपको बता दें कि जिस तरह से ऐलान किया गया है कि 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसान अपना प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर जुट रहे हैं और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है। 1 साल पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि जब बीते साल किसानों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया था, दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए सरकार ने काफी कोशिश करी थी, लेकिन किसानों को रोकना इतना आसान नहीं था। अपने ट्रैक्टरों के दम पे, अपने जो उनकी इच्छा शक्ति थी उसके दम पे उन्होंने किसी तरह दिल्ली की सीमा पर पहुंचे और वहां पे घेराव किया, अपनी मांगों को पूरे जोर शोर से उठाया, सरकार के कानों तक पहुंचाया। कई दौर की वार्ता भी हुई, एक लंबा युद्ध कह सकते हैं हम सरकार और किसान के बीच, जिसे किसानों ने लड़ा, कई किसान शहीद भी हुए और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ये किसानों के हित में तो थे, लेकिन किसानों को बहुत समझाने की कोशिश की गई लेकिन किसान नहीं माने। जिसके बाद हम अब इस 3 नए कृषि कानून को वापस लेंगे, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन इसके बाद भी किसानों का प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से 3 नए कृषि कानून की वापसी का ऐलान तो कर दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं और लगातार जब 1 साल पूरा हो गया है तो अब दिल्ली की सीमा पे एक बार फिर से पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? लेकिन आपको बता दूं कि किसान आंदोलन की वापसी का जो बात की गई थी, अभी हाल में ही जब प्रधानमंत्री महोबा और झांसी के दौरे पे गए थे, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था राष्ट्र को संबोधित करते हुए कि जो किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल से चल रहा है उसको हम वापसी जो कानून है उसको वापस लेंगे। और किसानों ने इसको लेकर खासा समर्थन भी था और किसानों ने कहा था कि हम उनके क्षेत्र का स्वागत भी करते हैं। हालांकि बड़े जो सच किसान यूनियन है और इसके अलावा जो भारतीय किसान यूनियन है, जिसके जो प्रवक्ता राकेश टिकैत है, उन्होंने साफ साफ एक सम्मिलित बयान दिया था कि जब तक एमएसपी की बात यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं होगी, तब तक हम किसान आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। क्योंकि किसानों के हित में अब तक कोई काम नहीं हो रहा है। किसान आंदोलन मुख्यतः इन्हीं मांगों को लेकर किया गया था, पर एक नया बिल के तहत उनको नई व्यवस्थाओं के तहत उनको नए कानून में बांधा जा रहा था। उस कानूनों को देखते हुए लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन कहाँ तक रहा है, कई लोग कई सौ किसानों की जान भी गई है, तिगुनिया कांड भी इस मामले पर रहा है। तो देखा जा रहा था कि सरकार ने अगर आदेश दिया है तो किसान अपने आंदोलन को वापस लेके चले जाएंगे, पर किसानों ने अब इस मामले पे पूरी तरह से अपना आदेश रुख दिखा दिया। उन्होंने कहा है जब तक कि एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं देगी, तमाम किसानों के हित में जो काम करने वाली बात है वो नहीं करेगी, तब तक हम इस आंदोलन को वापस नहीं करेंगे। और इसी के तहत वो इस समय दिल्ली बॉर्डर पर जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर टिके हुए हैं और अपने आंदोलन को लगातार बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि जो ये दो आपका 17 सितंबर 2020 को ये कानून लागू किया गया था,
तब उन्होंने कहा था कि ये सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी। हालांकि सरकार ने इसको टर्न बैक करते हुए इस कानून को वापस लिया है और संसद ने भी इस कानून को वापस लेने के लिए कवायद शुरू कर दी है और वापस कर लिया गया है। पर किसानों कह रहे हैं हमको एमएसपी और तमाम चीजों की गारंटी नहीं मिलेगी, हम अपने आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। जी गौरव, जिस तरह से एक बार फिर बैरिकेडिंग लगा दी गई है दिल्ली की सीमाओं पर और किसानों का जुटना भी जारी है, तो क्या पहले जैसी परिस्थिति होगी? क्या पहले की तरह ही सख्ती करी जाएगी? देखिए बातचीत की सरकार ने जब कानून लागू किया तब भी सरकार ने तमाम बातचीत की थी और सरकार अभी प्रयास करेगी उनसे बातचीत करने का कि इनकी क्या मुख्य मांगे हैं। हालांकि राजेश शेखर के साथ जो किसान नेता है राजेश शेखर, उनके साथ कहना है कि जब तक सरकार हमको एमएसपी की गारंटी नहीं की, हमारी तमाम जो जरूरतें हैं उनको विचार नहीं करेगी, तब तक हम किसान आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। हमारा किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा और हम दिल्ली में भी तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। प्रदेश सरकार के 5 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं और जिसके चलते प्रदेश भर में भाजयुमो युवोत्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ जीटी रोड के रघुनाथ पैलेस में भाजयुमो के कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को भारी मतों से विजयी बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रही है। युवाओं ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कही है और क्या कुछ कहा है आप ही सुनिए। देश और दुनिया को बदलने में हमेशा ही युवाओं ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। देश के युवाओं ने मिलकर के एक संकल्प के साथ जब 2014 में काम किया था तब देश में पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। उसी अनुक्रम में जब उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने और विशेष रूप से युवाओं ने जब ये तय किया कि उत्तर प्रदेश और भविष्य का उत्तर प्रदेश हम बदलना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 5 साल में श्रद्धेय योगी जी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली देश की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को युवाओं के सपने का उत्तर। बांदा के अतरारा थाना क्षेत्र में तथागत विद्यालय के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार पिता और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर ने पिता को मृत घोषित कर दिया, जहां पुत्र की हालत नाजुक बनी हुई है जिसका इलाज जारी है। तो एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी जिसमें पिता और पुत्र दोनों घायल हो गए। जब डॉक्टरों ने दोनों को देखा और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। ये एक्सीडेंटल केस हमारे पास 108 एम्बुलेंस लाए गए हैं, इसमें एक की मृत्यु हो गई है, उनका नाम मूलचंद और 65 वर्ष के हैं। ये हैं पहाड़ी चित्रकूट के रहने वाले, रास्ते में कहीं टक्कर हो गई है जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, एक की डेथ हो गई है। टोटल कितने लोग आए? टोटल 2 लोग आए हैं, पिता पुत्र हैं, पिता की डेथ हो गई है, पुत्र जो है घायल अवस्था में। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं बांदा से। रिजवान, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से टक्कर मारी गई? ठीक जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है पिता पुत्र लौट रहे थे जी, तो अचानक जो है 4 पहिया वाहन ने इनको टक्कर मारी है जी, जिस कारण जो है ये बाइक से थे, 2 व्हीलर गाड़ी से जी 4 पहिए ने इनको मारी। तो पिता की जो है डॉक्टर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में लेके आए हैं जी, जिन डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है पिता को देखते ही, और जहाँ पे जो है बेटे का इलाज जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़े थे बांदा से।
चंदौली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू चंदौली मुख्यालय पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के 24 दिन के अंदर पुल चालू करने के अल्टीमेटम को जल्दबाजी करार दिया है। आगे उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किसी की जान से खिलवाड़ न करे, पुल निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों पर भी दबाव नहीं डाले। आगे उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को चुनाव के दिनों में ही विकास कार्यों को पूरा कराने की जल्दी रहती है और इसके बाद की विकास भूल जाते हैं। देखिए ऐसा है कि डीएम साहब 24 दिन का टाइम दिए हैं और मुझे नहीं लगता है कि 24 दिन में पूरा होने वाला यह है। पिछले जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हुआ था, टाइम एक दिया गया था कि बहुत जल्दी लोकसभा में तैयार हो जाएगा। अब विधानसभा का चुनाव आ गया तब इनको याद आ गया है कि टाइम दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के जल्दी में ये कर्मचारी लग जाएंगे और कहीं बनारस जैसा घटना या न घट जाए यही देखने आया था। अगर घटना हो गई जल्दबाजी में तो समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजाने। तो सपा के राष्ट्रीय सचिव ने इस बात को कहा है कि किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए ठेकेदारों पे या फिर मजदूरों पे, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। और इस बात को भी कहा कि जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ चुनाव के वक्त में विकास को याद करती है और बाद में भूल जाती है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के निर्देशन में भाजपाइयों ने रैली निकाली। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के शक्ति प्रदर्शन को लेकर शहर में चर्चाओं का दौर रहा। फरुखाबाद में भी गुरुगांव देवी मंदिर के ट्रैक्टर रैली को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बाल मुकुंद शुक्ला ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसके बाद ट्रैक्टर रैली नगर के पक्का पुल चौक घुमना बाजार लाल दरवाजा बड़पुर होती हुई आवास विकास पार्टी कार्यालय पर जनसभा तक गई। रैली के जरिए जनप्रतिनिधियों ने सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। सिंह भाजपा नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं। उसी के क्रम में आज फरुखाबाद में भी भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं और गुड़गांव देवी से आवास विकास तक ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो रैली में उनकी कितनी दावेदारी रहेगी और कितने ट्रैक्टर आने की संभावना है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा, क्या नाम है आपका? मृदुल गंगवार, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा रैली प्रभारी। आज जो किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, आपके हिसाब से लगभग कितने ट्रैक्टर में शामिल? 200 प्लस ट्रैक्टर रहेंगे। अच्छा, और कहाँ कहाँ से इसमें लोग आ रहे हैं? इसमें जिले के आ रहे हैं सब। अच्छा, जो किसान कानून वापसी हुआ है, माननीय मोदी जी ने भी माना है कि इसमें जो सरकार है वो समझाने में नाकामयाब रही, तो क्या ये क्षेत्रीय नेतृत्व का ये एक तरीके से फेलियर नहीं है कि वो किसानों को अपनी बात समझाने में नाकामयाब रही? नहीं, क्योंकि जब आप वोट मांगने के लिए आप लोग जाते हैं तो ये मोदी जी ने भी माना है कि किसानों का जो बिल था वो समझाने में वो नाकामयाब रहे। किसानों को बहकाया गया है, ये विरोधी लोग यानी आपका कहना है कि किसानों को बहकाया गया, किसान बह गया? किसान कहीं बहका ही नहीं है, किसान बहका ही नहीं है, बहका नहीं किसान। अच्छा, दूसरा, पेट्रोल के जो दाम चुनाव के समय कम किए गए तो फिर से धीमे धीमे बढ़ना चालू हो गए हैं? नहीं कम होंगे, अभी नहीं बढ़ रहे हैं, और कम होंगे, और कम होंगे। अच्छा, जो गैस का मुद्दा है, गैस सिलेंडर भी महंगा होता चला जा रहा है? नहीं, कहीं नहीं महंगा हुआ गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर 1000 रुपए है? अरे नहीं, और भी तो सरकारों में महंगा रहा, कोई महंगाई कोई। तो बाकी आप जो चुनाव अभी 3 महीने बाद है, इसमें आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? आप किन मुद्दों पे जनता के बीच जाएंगे, किन कार्यों के बेस पे जाएंगे? स्वच्छ शासन, विकास, गुंडा राजमुक्त। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि आप गुंडा राजमुक्त है, पुलिस को ही गुंडा बना दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री जो संदीप साकी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार का एक विजन था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या आपको लगता है कि वो हुई है क्या 2022 में? जी हाँ, निश्चित रूप से किसानों की आय लगातार बढ़ रही है और जो हम लोगों का प्रयास था, संकल्प था, किसानों की आय दोगुनी करेंगे और निश्चित रूप से आज हम उसमें कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज किसान की स्थिति पहले से सुदृढ़ हुई है और किसानों के हित में मोदी सरकार और योगी सरकार लगातार विकास योजनाएं और अन्य योजनाएं जिनके माध्यम से किसानों की तरक्की हो सकती, विकास हो सकता है,
तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी आय बढ़ी है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, फिर भी जो है किसान संगठन वो आंदोलनरत हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, जो किसान आंदोलनरत थे, जिनकी मांगे जो तीन कृषि बिल के ऊपर मांगे रखी थी, बैठे हुए थे ज़्यादातर किसान, अब चूंकि वहाँ रैली स्थल से उठ के जाने लगे हैं, लेकिन जो कुछ राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हैं, इनडायरेक्ट वे से जुड़े हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपने चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव चूँकि नज़दीक में है, विधानसभा चुनाव का लक्ष्य रख के इस जो आंदोलन करता है वो उनको इस भावा दे रहे हैं और उनको भ्रमित कर रहे हैं और देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। ट्रैक्टर रैली गुड़गांव देवी मंदिर से होते हुए आवास विकास जिला कार्यालय पर संपन्न होनी थी। जिला कार्यालय आवास विकास पर ट्रैक्टर रैली आ चुकी है और जब मुख्य अतिथि ग्रुप में आए इसमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला जी से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया योगी सरकार से जनपद फर्रुखाबाद के किसान बहुत ही संतुष्ट है। योगी सरकार की सभी योजनाएँ किसानों के लिए फलीभूत हो रही हैं और इस कार्यक्रम में भी लगभग 200 ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने इस रैली को सफल बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुंदरम सिंह, प्राइम टीवी फर्रुखाबाद। हरनपुर में सरकारी महिला अस्पताल में डिलीवरी कराने के नाम पर महिला के परिजनों से अस्पताल में 5,000 की मांग की गई। वहीं विरोध करने पर महिला समेत परिजनों के साथ मारपीट की गई। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बता दें कि बजरंग दल के लोगों ने मौके पर पहुंचकर महिला अस्पताल के सामने जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग सरकार की छवि धूमिल करना चाहता है। वहीं मौके पर पहुंची थाना जनकपुरी पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वही जाम करने का आश्वासन भी दिया गया है। ये अभी आपके अभी मेरे संज्ञान में आया है। आप लोग बाहर थे, अभी मैं डीएम साहब की मीटिंग में जा रहा था तो ये रास्ता, कुछ लोगों ने रास्ता बंद कर रखा है, कुछ नारेबाजी चल रही है कुछ। उसके बाद मैं अंदर आया हूँ तो महिला अस्पताल की जो हमारी अधीक्षिका हैं ये बैठी हैं यहाँ। कुछ मार पिटाई का कुछ है तो अभी पीड़िता का जो है उसके बयान अभी हम मैंने नहीं लिए ना, उन लोगों से बात की अभी एक तरफा है, इन लोगों का सुना है ये और कुछ वीडियो क्लिप्स आपके थ्रू देखे हैं। इसका पूरा जांच कराता हूं मैं, पूरी कमेटी बना के, और जो भी इसमें दोषी होगा चाहे हमारे अस्पताल का हो चाहे बाहर के लोग हों। सोनभद्र में जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष संतोष पटेल के नेतृत्व में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संतोष पटेल क्या कहना है कि बिजली विभाग रॉबर्ट्सगंज के अधिशासी अभियंता भ्रष्टाचार के न केवल सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं बल्कि बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक भी हैं। इनके जन विरोधी कार्यों के कारण आम जनता त्रस्त है और निजी स्वार्थ ही है, साथ ही आर्थिक शोषण होता है। बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ छापेमारी के आड़ में खुले आम अवैध वसूली कराया जाना आम बात हो गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।